Today in this video, I'm going to talk about Deepavali. Yes, the festivals of light. Hamara Hindus ka sabse important mahatvapurna tyohar jis din Shri Ramchandra ji 14 saal ke vanvas ke baad aur Ravan ka vadh karkar वापस पधारे थे. जी हाँ, धनतेरस, दीपावली, इट कम्स नेक्स्ट टू ईच अदर. सो एस्ट्रोलॉजिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द रिचुअल्स, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए दीपावली के दिन जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारे और बहुत सारा ग्रेस और एबंडेंस लेकर आए. यस, एवरी ईयर दीपावली इज द टाइम व्हेन वी वर्शिप टू माँ लक्ष्मी and we all invite her to our abodes. Yes, अपने अपने घर में, जिससे कि लक्ष्मी मैया आके कृपा करे, महालक्ष्मी हमारे घर में विराजे और हर प्रकार की सुख सुविधा, खुशी, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्रेस हमें दे. तो मैं ये बताऊंगी, धनतेरस पर कुबेर की पूजा करते हैं लोग और दीपावली पर माँ लक्ष्मी की. तो मैक्सिमम व्हाट पीपल डू इज, दिवाली के कई दिन पहले से क्लीनिनेस, सफाई शुरू हो जाती है. महालक्ष्मी के बारे में दो बातें बहुत प्रसिद्ध है. नंबर वन, लक्ष्मी चंचल है एंड नंबर टू, वो सफाई पसंद है. जी हाँ, सो पीपल स्टार्ट गेटिंग देयर हाउसेस रेनोवेटेड कपल ऑफ मंथ्स इन एडवांस सो दैट द एंटायर जॉब इज कंप्लीटेड बिफोर दीपावली सो दैट दे कैन डेकोरेट देयर हाउसेस. पीपल गेट वाइट वॉश डन, पूरे घर की अच्छे से सफाई करते हैं. बट ये जान ले, माँ लक्ष्मी जब सफाई की बात करती है, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लीनिनेस, इट्स नॉट जस्ट द हाउस क्लीनिनेस. द मोर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट and something which is mandatory is cleanliness at the thought level and emotion level. जी हाँ, आपने अपने घर की खूब सफाई कर ली, लेकिन आपके अंदर negative emotions, jealousy या फिर thought level पे manipulation है, then माँ लक्ष्मी will not be happy with you. Okay? So thought level and emotion level cleansing is very very important. Once that happens, जब आप हर प्रकार के negative thought, emotion से get rid हो जाते हैं, toxicity, negativity अपने life से निकाल देते हैं, then you actually create space for more innovative ideas, more progressive ideas. It's very simple. नए कपड़े लाने से पहले आप अपनी वार्डरोब में पुराने कपड़े जो फट गए हैं या पुराने हो गए हैं या आपको नहीं पहने, वो आप निकालते हैं ना, बिकॉज यू नीड टू क्रिएट स्पेस. इफ योर वार्डरोब इज कम्प्लीटली फुल एंड जैम पैक, डू यू हैव प्लेस टू, इवन इफ यू बाय न्यू क्लोथ्स टू फिट देयर, नो यू वॉन्ट, राइट? सो यू वुड टेक आउट योर ओल्ड क्लोथ्स, रैग्स और वट एवर, यू नो, क्लोथ्स दैट आर टॉर्न, सो दैट यू क्रिएट स्पेस. सिमिलरली थॉट लेवल, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, व्हेन यू डू क्लींजिंग, देन यू आर क्रिएटिंग मोर स्पेस for more ideas that will not only be innovative, out of box, help you solve the issues, also they will help you move forward towards your goals. Ji haan, Vishnu energy creation hogi. Maa Lakshmi ko bahut bahut pasand hai ki aapke jeevan mein koi uddesh ho, koi goal ho aur aap toot ke pure junoon ke saath us par kaam kare. Yes, so that is what Maa Lakshmi wants. So if you have a goal in life, it could be your work or mission or whatever you're doing, more hard work, dedicatedly with focused approach and higher efficiency, you do that totally with all the heart. So that is cleansing. Also, along with cleansing, when we spoke about whitewash or, you know, that's a choice, what is very very important is space clearing. Ji haan, kai baar to vastu ke saath saath space clearing hum logo ke ghar mein jaake karte the. To aap kya kar sakte hain, apne ghar mein abhi se shuru ho jaye, dhanteras ke 3 din pehle se shuru ho jaye. आप अपने घर में कैम्फर, वॉट एवर इज यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल टू यू, कैम्फर हो गया, गूगल लोबान, सेज, यू नो, फ्रॉम यूएस और यूरोप, वेर एवर, गोबर का कंडा, ये सब चीजें, हवन सामग्री, ये सब चीजें अपने घर में सुबह और शाम जलाएं. मंत्रा चांटिंग विल हेल्प यू इन, यू नो, ग्रेटली. साउंड एनर्जी, ओम, लाइक दे से व्हेन द यूनिवर्स वाज मेड, ओम वाज द फर्स्ट साउंड, ओम पहली ध्वनि थी.
तो उसका उच्चारण पूरे घर में करें, घंटी बजाकर बेल से, साउंड हीलिंग या सिंगिंग बोल है उससे पूरे घर में जो है वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करें। तो सोचिए सुबह शाम हवन सामग्री जल रही है या गोबर कंडा है उसको जलाकर आपने उसके ऊपर जो है हवन सामग्री डाल दी। साथ ही साथ यू कैन स्प्रिंकल गंगा जल यू नो इन योर हाउस। सो व्हेन यू डू दिस यू विल फील that all the negativity in the house is gone. This is space clearing. Like I said, start doing this 3 days prior to Dhanteras and continue doing this. Okay, for few days, mopping do with sea salt. पोछे में जैसे फिनाइल डालते हैं वैसे नमक के पोछे लगाए, सी सॉल्ट इज द आइडल। और ये आप भाई दूज तक कर सकते हैं, पूरे घर की नेगेटिविटी, हर तरीके की प्रॉब्लम, बीमारी सब निकल जाएगी। जब आप माँ लक्ष्मी की कथा और पूजा करें इवनिंग, माँ लक्ष्मी इज ऑलवेज वर्शिप्ड इन द इवनिंग, हैव यू नोटिस दिस? सभी भगवान की पूजा वैसे सुबह की जाती है और महालक्ष्मी की पूजा शाम को। यूजिंग लोटस फ्लावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? दैट इज समथिंग दैट महालक्ष्मी रियली रियली लव्स। तो जब आप अपनी पूजा करें तो जरूर कमल का एक पुष्प रखें। तो जिस तरीके से कहते हैं ओम ध्वनि पहली ध्वनि थी जब ये संसार बना था, सो द फर्स्ट स्पिरिचुअल flower that came to planet earth was actually lotus, so that is why it's a spiritual flower. Yeah, we always visualize during meditation also Buddha is sitting on lotus flower like that, things like that. So puja mein zarur aur zarur kamal ka prayog kare. Saath hi agar shri yantra ki sthapna kar sakte hain, nothing like that. What is shri yantra? Shri plus yantra. Shri is again your lakshmi and ma lakshmi, and yantra is the instrument, for example device, for example thermometer is a yantra to measure the temperature when you have fever, right? So shri yantra ki sthapna kare, bahut acha rahega. इसके साथ साथ गोमती चक्र का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो वो मंगा सकते हैं, हम प्राण प्रदर्शित करके भेज सकते हैं। गोमती चक्र का एक अलग से भी हमने वीडियो बनाया है, वो ये कोड़ी नहीं है, ये गोमती चक्र है। यू कैन यूज इट इन द सेट ऑफ 11, 21 लाइक दैट, या अपने पूजा की जगह पर या जहां बही खाते रखते हैं या लॉकर पे या जहां गोल्ड ज्वेलरी रखते हैं वहां पर ये सब चीजें रख सकते हैं। जी हाँ, तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, सिल्वर कॉइन यूज करना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, तो ये चीजें जो है अगर आप ध्यान देंगे और धनतेरस से 3 दिन पहले ये सारी एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे तो जरूर और जरूर आपकी दीपावली खुशियों से और फुल ऑफ लाइट्स तो होगी, साथ ही साथ आपकी लाइफ में हायर वाइब्रेशन, हायर ऊर्जा लाएगी, बहुत पॉजिटिविटी लाएगी, आपके रुके हुए काम यूं निकल पड़ेंगे, लक्ष्मी माँ की कृपा होगी, सब तरफ खुशियां और अबंडेंस होगी। याद रखिए जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछे। लेकिन चलते चलते आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, एज पर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्योरिटी एट द सोल लेवल, प्योरिटी एट द हार्ट। सो अपने थॉट लेवल को और अपने इमोशनल लेवल को बिल्कुल प्योर करना है, खाली करना है, जिसे कथार्सिस कहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। ऑल द टॉक्सिन्स एंड द नेगेटिविटी हैज टू कम आउट बिकॉज वी आर क्रिएटिंग रूम, वी आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर मोर पॉजिटिव हायर वाइब्रेशन इन लाइफ। सो वी मेड दिस वीडियो विद द इंटेंट दैट वी बोथ एट इंडिविजुअल लेवल एंड द community level move towards higher vibration. Like we keep saying that the planet earth is already transitioning, you know, is it is in transition to higher dimension. To aaiye milke is Deepavali ko aur aane wale samay ko aur khoobsurat aur khushiyon aur light se bhara hua banaye. Thank you so much for watching this and here's wishing you in advance a very very happy Deepavali. Ye aane wali Deepavali, Dhanteras Deepavali aapke jeevan mein अपार खुशियां लेकर आए। थैंक यू सो मच, नमस्ते।